الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم معزز بزرگو اور دوستو इंसान के बातिन में और दिल में जो ख्यालात एहसासात अफकार फिक्रें और गुमान होते हैं ये कोई मामूली नहीं होते, ये भी बड़े वज़नी होते हैं। ज़ाहिरी आमाल का जैसे वज़न है, वैसे ही इस बातिनी अमल का भी बड़ा वजन है। जाहिरी अमाल के जैसे असरात होते हैं, वैसे बातिन में पैदा होने वाले, दिल में पैदा होने वाले ख्यालात भी मुअस्सिर होते हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा दिल के ख्यालात, दिल के एहसासात और दिल में पैदा होने वाली फिक्रें और दिल में पैदा होने वाले गुमान, इनका वजन जाहिरी आमाल से भी बढ़ जाता है। इसकी मिसाल यूं समझें कि दो शख्स जिन्होंने एक साथ वजू किया और दोनों वजू करके मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, और जब मस्जिद में दाखिल हुए तो सुन्नत पढ़ने का वक्त था। एक ने सुन्नत की नीयत बांध ली और वो खड़ा हो गया सुन्नत की नीयत करके, और दूसरा उसी के साथ खड़ा हुआ। उसने नमाज दो रकात ही की नीयत बांधी, लेकिन दो रकात के साथ में उसने तहियतुल वजू की भी नीयत की, तहियतुल मस्जिद की भी नीयत की, दो रकात सुन्नत की भी नीयत की। दोनों ने एक साथ वजू किया, दोनों ने एक साथ नमाज पढ़ी, दोनों ने उतने ही वक्त में नमाज पढ़ी, उतनी ही रकातें पढ़ी, दोनों का वक्त तो उतना ही लगा, लेकिन दोनों के अजर और सवाब में बहुत फर्क है। एक को सिर्फ दो रकात सुन्नत का सवाब मिला, इसलिए कि सुन्नत का वक्त था, उसने सुन्नत की नीयत की, और दूसरे ने इसके साथ में तहियतुल वुजू की भी नीयत की, तहियतुल मस्जिद की भी नीयत की, और फिर दो रकात सुन्नत की भी नीयत की, तो इसे उतने ही वक्त में अजर सवाब जो मिला छह छह रकातों का, इसे दो रकात का सवाब मिला और इसे छह रकात का सवाब मिला। मेहनत उतनी, वक्त उतना ही लगा, लेकिन अजर सवाब में दोनों में बहुत फर्क है। और ये जो फर्क है, ये फर्क दिल के इरादे और दिल के नीयत, दिल के अमल, दिल के फ़ैल की वजह से। बातिन में जो ख्यालात पैदा हुए उसका असर अमल पर, अजर सवाब पर इतना पड़ा। एक शख्स है जो बाजार नहीं जाता, भीड़ भाड़ में नहीं जाता, जब उससे पूछा जाए तो वो ये कहता है कि मैं क्यों जाऊं,
मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं लोगों के भीड़ भाड़ में क्यों रहूं, मेरे लिए अलग से इंतजाम हो, मैं भीड़ भाड़ में नहीं जाता, बाजारों में नहीं जाता, इसलिए कि ये मेरी बड़ाई के खिलाफ है। मैं तो बड़ा आदमी और मेरी शान के खिलाफ है, मेरे ओहदे और मनसब के खिलाफ है, इसलिए मैं बाजार में नहीं जाता, लोगों के भीड़ भाड़ में नहीं जाता। दूसरे शख्स से पूछा गया कि तुम अलग थलग क्यों रहते हो, बाजार नहीं जाते, लोगों के भीड़ भाड़ से अलग रहते हो? तो उसने कहा कि लोगों के भीड़ भाड़ में जाते हैं तो कभी हमारे चलने की वजह से, किसी से टक्कर लगकर, किसी को मार के, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो जाए, इसलिए मैं लोगों की भीड़ में नहीं जाता। बाजार जाऊं कहीं बदनजरी हो जाए, कहीं कोई गुनाह हो जाए, इसलिए मैं बाजार कम जाता हूं या जाता ही नहीं, मेरे काम किसी और तरीके से निपटा लेता हूं। दोनों ने अलग अलग जवाब दिए और दोनों के जवाब में एक का जवाब वो है, एक का फ़ेल वो है जो गुनाह है, विज़्र, और एक वो है जिस पर उसे अज्र मिलता है। दोनों में फर्क है। एक दूसरों को तकलीफ देने से बचने के लिए, दूसरों की तकलीफ देने से बचने के लिए बाजार में भीड़ भाड़ में नहीं जाता, उसका इरादा उसकी नीयत अच्छी है जिस पर उसे अज्र सवाब मिलता है। एक वो है जो ये सोचता है कि मैं जाऊं तो मेरी शान के खिलाफ है, उसका इरादा उसकी नीयत यह है। जब वो ये सोचता है तो इस नीयत और इस इरादे पर उसे गुनाह होता है, इसलिए कि उसके अंदर फख्र है, गुरूर है, और इस फख्र और गुरूर का गुनाह उसे होगा। दोनों का अमल एक है, लेकिन नीयत और इरादे की वजह से दोनों को जो अज्र मिलेगा, बदला मिलेगा, अलग अलग है। एक के लिए वबाल है, एक के लिए अज्र है। ये दिल के इरादे और दिल के नीयत का हाल और उसका वजन है, और इसकी ये शान है। जब दिल के अमल की ये हालत हो और दिल के इरादों और फिक्रों का ये वजन हो, तो फिर हम अपनी फिक्रें वसीअ रखें, हमारी फिक्रें वसी और कुशादा हो, ऊंची हो, हमारे आजाइम बुलंद हो। इसीलिए एक हदीस कुदसी है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाते हैं, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे साथ जैसे गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मुआमला करता हूं। अल्लाह के साथ हुस्ने ज़न हो, अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो, तो अल्लाह उसके साथ मुआमला भी अच्छा ही फरमाते हैं। अगर कोई अल्लाह के साथ बुरा गुमान रखे, बदगुमानी करे, तो अल्लाह उसके साथ मुआमला भी वैसे ही फरमाते हैं। किसी पर मसाइब, परेशानियां, मुसीबतें आ रही हैं, उन मुसीबतों में भी वो ये कहता है कि इसकी तह में भी कोई ना कोई भलाई छुपी हुई होगी। वो अल्लाह के साथ ये गुमान रखता है कि इसका अंजाम बेहतर होगा। इस वक्त परेशानियां हैं, लेकिन इन परेशानियों के पीछे, मुसीबतों के पीछे कुशादगियां, वो साथें, खुशहालियां होंगी। इन्नमा अल उसरी युसरा, तंगी के साथ में आसानी, तंगी के साथ में आसानी। वो अगर ये गुमान रखता है तो अल्लाह उसके गुमान के मुताबिक तंगियों के बाद में आसानियों के दरवाजे खोलते चले जाते हैं, मुश्किलात का हल उसके लिए पैदा फरमाते चले जाते हैं। अगर कोई खुशहाली में हो और अच्छी हालत में भी हो, फिर भी अल्लाह से ये गुमान रखता हो कि ये कितने दिन की है, ये तो कभी ना कभी खत्म होगी, और फिर पता नहीं उसके बाद कैसा फकर व फाका आ जाए, अल्लाह कैसी तंगदस्ती भेज दे, कैसी परेशानियां आ जाएंगी। अगर अल्लाह के साथ में यही गुमान उसका है तो अल्लाह मुआमला भी ऐसे ही फरमाएंगे। अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, तो हमारे जो गुमान है उस गुमान के मुताबिक अल्लाह के फैसले भी होते हैं।
इसलिए हमें अल्लाह के साथ हुस्न ज़न हो, अच्छा गुमान हो, फिक्रें ऊंची रखें, अज़ाइम बुलंद रखें, और जितनी फिक्रें आएंगी अल्लाह हमारी फिक्रों के मुताबिक हमारे साथ फैसले भी फरमाएंगे। इसलिए फिक्रें जो हमारे दिल में आए, इनमें कोशिश यह हो कि यह फिक्र दुनिया की फिक्र से बढ़कर आखिरत की फिक्र हो। इसलिए कि दुनिया की जब फिक्रें, दुनिया के हुमूम और गुमूम और दुनिया के अफकार और दुनिया ही के लिए सब कुछ, सारे ख्यालात दिल और दिमाग में बैठ जाएं, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया ही के हवाले कर देते। एक फिक्र के बाद में फिर दूसरी फिक्र सवार हो जाती है, एक परेशानी के बाद में दूसरी परेशानी उस पर मुसल्लत हो जाती है। बजाय इसके अगर आखिरत की फिक्रें दिल और दिमाग पर सवार हो जाएं, आखिरत की फिक्र हो, कब्र की फिक्र हो, मौत के बाद वाली जिंदगी की फिक्र हो, तो अल्लाह का वादा है कि आखिरत की फिक्रों की बरकत से, मौत के बाद की फिक्रों की बरकत से, कब्र की नजात और कब्र के आजाब से बचने की फिक्रों की बरकत से, आखिरत की कामयाबी की फिक्रों की बरकत से अल्लाह दुनिया की फिक्रों से नजात दे देते हैं, दुनिया की फिक्रों से अल्लाह छुटकारा अता फरमा देते हैं, दुनिया के कामों को अल्लाह आसान बना देते हैं। इसलिए दुनिया की फिक्रों से नजात का यह तरीका नहीं है कि हम दुनिया की फिक्रों के पीछे फिक्रें और परेशानियों के पीछे परेशानियां और दुनिया की फिक्रों से नजात पाने के लिए अपनी तदबीरें और अपनी सारी मेहनतें लगा दें, सारे मंसूबे हमारे दुनिया ही की फिक्रों के पीछे पड़े रह जाएं, तो अल्लाह इन फिक्रों से नजात नहीं देंगे। बजाय इसके दुनिया की फिक्रों से बढ़कर उठते बैठते चलते फिरते सोते, सोने से पहले उठने के बाद फौरन अपने दिलो दिमाग पर आखिरत की फिक्रों को सवार कर ले कि आखिरत में क्या होगा, मौत कैसी आएगी, पता नहीं किस हाल में मौत आ जाए, कलीमे वाली मौत आ जाए, ये फिक्र। मौत के बाद कब्र में अल्लाह हमें हर तरह की नियमतों से नवाज दे, ये फिक्र। मैदान हश्र में कामयाबी की फिक्रें, जन्नत में जाने की फिक्रें, ये फिक्रें अगर आ जाए तो अल्लाह ताला इन फिक्रों की बरकत से दुनिया की फिक्रों से छुटकारा दिला देंगे, दुनिया की फिक्रों से आजादी मिल जाएगी। ये अल्लाह का वादा है। यही वजह है कि जब हम सोते हैं तो अमूमन सोते वक्त दिलो दिमाग काम करना शुरू कर लेते हैं, दिमाग में ख्यालात गर्दिश करना शुरू कर लेते हैं। इंसान पर जब नींद की कैफियत तारी होती है तो अब सबसे आखिर में सोने वाला तो उसका दिल होता है, नींद आने तक भी उसके दिल के ख्यालात तो काम करते ही रहते हैं, कोई ना कोई फिक्र इंसान के दिलो दिमाग में चलती ही रहती, कोई ना कोई सोच। सबसे आखिर में सोने वाला जो अज्व है वो कान है, आंखों के बाद भी कान सबसे आखिर में सोता है। आप इसका तजुर्बा करके देखें, सोते हुए आंखें बंद हैं, आंखों में नींद का खुमार आ चुका है, नींद की कैफियत आ चुकी है, लेकिन आखिर तक भी बातचीत की जो आवाजें हैं वो कान से टकराती रहती हैं, कान भी उन आवाजों को सुनते रहता। जब कान सो जाता है तो फिर आवाजों का सुनना, फिर उसके बाद जो चीजें वो खत्म होती हैं। सोने तक कान आखिर में सोते हैं। इंसानी आजा में फिक्रें तो चलती रहती हैं, उन फिक्रों के साथ में सबसे आखिर में सोने वाला जो अज्व है वह इंसान का कान है, और जागने वाले आजा में भी सबसे पहले इंसान का कान जागता है। इंसान के कान में आवाज पहुंचती है, कभी अलार्म की आवाज, कभी किसी के बातचीत की आवाज, इस आवाज की वजह से सबसे पहले कान जागते हैं। कानों में आवाज पहले जाती है, बाद में आंख खुलती है, हालांकि ये सब काम एक सेकेंड में होते हैं, इन दोनों कामों में ज्यादा ताखीर नहीं होती,
लेकिन सेकंडों के इन कामों में भी सबसे पहले जो काम होता है वो कानों से सुनना होता है। जब इंसान बेदार हो तो सबसे पहले कान बेदार होते हैं, सुनना शुरू करते हैं, और उसके साथ में दिल में अफकार और ख्यालात शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब इस दिल और दिमाग पर आखिरत की फिक्रों को, मौत के बाद की जिंदगी की फिक्रों को सवार करने के लिए हमें ये मसनून दुआएं सिखाई गई कि सोने तक बावजू सोना और दाने करवट पर लेटने का मिजाज बनाना सुन्नत के मुताबिक, और जिक्र के साथ में सोना, सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर सोना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलिमा तैयबा का विर्द करके सोना, सोने तक जिक्र करके सोना, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए सोना, और फिर इन सब के साथ में दुआए मसनून पढ़ना, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ में मरता हूं और जीता हूं। अब ये कहते हैं ऐ अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता हूं और जीता हूं, ये नहीं कहते कि अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ सोता हूं और जागता हूं। यह अमल तो सोने और जागने का है, लेकिन हमारा जो काम है, हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो फिक्रें हैं, यह हमारी फिक्रें सोने और जागने तक महदूद न रहे, इनमें अटक कर न रहे। हम ईमान वाले हैं, हम शरीयत मुहम्मदिया के मानने वाले हैं, हम हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हैं, इसलिए हमारी फिक्रें सिर्फ सोने और जागने तक महदूद न रह जाएं, बल्कि उससे आगे बढ़कर मौत और हयात तक की हमारी फिक्रें होती हैं। इसलिए हम सोते हुए अल्लाह से ये कहते हैं कि अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता हूं और तेरे नाम के साथ जीता हूं, मेरा मरना और जीना सब तेरे नाम के साथ है। कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक ला व बिذلك امرت و انا اول المسلمين। आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाजें और मेरी कुर्बानियां और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं है, और मुझे इसी का हुक्म हुआ है, और मैं इताअत शियारों में सबसे पहले इताअत करने वाला हूं। ये जिंदगी भर की नीयत है जो हमसे कराई गई। हम सिर्फ दो रकात नमाज की नीयत जानते हैं, जिंदगी की नीयत का हमें पता ही नहीं है। हम दो रकात नमाज की नीयत बांध के खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ उठाते हैं, तो दरमियान में चाहे हमारा लखते जिगर, हमारे जिगर का टुकड़ा, हमारा नूरे नजर जो अमेरिका में था 2 साल के बाद में आया, हम नमाज की नीयत बांध के खड़े हैं, उसने घर में दाखिल होते ही सलाम किया, हमें महसूस भी हो गया कि मेरा जिगर का टुकड़ा 2 साल के बाद में घर में आया है, लेकिन हम नमाज नहीं तोड़ते, सलाम तक हम डटे रहते हैं, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर आखिर में कायदा पढ़ेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, सलाम करेंगे, सलाम फेरने के बाद में फिर हम अपने बच्चे से बात करेंगे। क्यों? इसलिए कि नमाज का हुक्म यह है, तकबीरुहा तहरीम व तस्लीमुहा तहलील, कि नमाज की जब नीयत बांध ली अल्लाहु अकबर कहकर तो यह तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा का मतलब यह है कि इस तकबीर के बाद में खाना पीना हराम, बातचीत करना हराम, चलना फिरना हराम, इधर उधर देखना हराम, दूसरे दुनिया के कोई भी काम करना हराम। अब जितना काम नमाज का है सिर्फ उतना ही काम किया जाए, यह तकबीर तहरीमा जो हराम करने वाली तकबीर है, दुनिया के सारे कामों को हराम करने वाली यह तकबीर तहरीमा, इसकी नीयत हमने बांध ली। अब इससे हलाल होना चाहते हैं कि हमारे लिए खाना पीना हलाल हो जाए, बातचीत हलाल हो जाए, चलना फिरना हलाल हो जाए, तो अब सलाम फेरना होगा। सलाम फेरने तक सारे दुनिया के काम हराम है, सलाम फेरना इन सब कामों को हलाल करने वाला है। यह है तस्लीम, जिसे तहलील कहा गया। ये नीयत का असर है। हमने 2 रकात नीयत की जो नीयत की है नमाज के लिए,
इसका ये असर है। जैसे हमने नमाज की नीयत की, वैसे ही हमने अपनी जिंदगियों की नीयत कर रखी है। कुल इन सलाती, बेशक मेरी नमाजें, व नुसुकी और मेरी कुर्बानियां, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। हमारा जीना और मरना अल्लाह के लिए, हमने इसका इकरार किया है, हमने इसका एतराफ किया है, हमने इसकी नीयत की है, हमने इसके इरादे और अजाइम कर रखे हैं। इसीलिए जब रात में सोते हैं तो मौत हयात को याद करके सोते हैं, और सुबह में आंख खुली, कान ने अपना काम शुरू किया, आंखों ने अपना काम शुरू किया, दिल की फिक्रों ने अपना काम शुरू किया, तो हम दिल की फिक्रों को फौरन मौत और मौत के बाद वाली जिंदगी की तरफ घुमा देते हैं। हमारी फिक्रों की जो सुई है, वो सुई फिर मौत और हयात के रुख पर चलती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, शुक्र है अल्लाह का जिसने हमारी मौत के बाद फिर हमें जिंदा कर दिया। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह आपने हमें सुलाने के बाद जगा दिया, सोने के बाद में बेदार कर दिया, नहीं, हम ये कहते हैं अल्लाह मौत के बाद आपने जिंदगी दे दी। ये जो चार छह घंटे की नींद आई, ये नींद नहीं, मौत है। हमारे जहनों की फिक्रों को मौत की तरफ फेर दिया गया कि अब तुम्हें मौत के बाद वाली जिंदगी की तैयारी करनी है। अब तुम्हारी फिक्रें दुनिया की फिक्रों तक महदूद न रह जाएं, बल्कि तुम्हारे अज़ाइम बुलंद हो। अब तुम सोकर उठे हो तो आज के पूरे दिन की यह नीयत करो कि हमें मौत और मौत के बाद वाली जिंदगी की फिक्र करनी है, हमें कब्र और कब्र की जिंदगी की फिक्र करनी है, हमें जन्नत में जाने और जहन्नम से बचने की फिक्र करनी है, हमें इंसानियत को जहन्नम से बचाने और जन्नत में ले जाने की फिक्र करनी है। मौत और मौत के बाद वाली जिंदगी की तरफ हमारी फिक्रों को फेरने के लिए हमें यह दुआ सिखाई गई। इस तरह हमारी फिक्रें वसी रखने के लिए यह मजनून दुआओं का अहतमाम हमें बताया गया कि हमारी फिक्रें दुनिया की नींद और दुनिया के जागने तक महदूद न रह जाएं, बल्कि हमारी फिक्रें मौत और मौत के बाद वाली जिंदगी तक वसी और कुशादा हो जाएं, और हम इतनी दूर तक सोचने वाले बन जाएं। यह ईमान वालों की शान होती है, क्यों अपनी फिक्रें महदूद नहीं रखते, अपने अजाइम पस्त नहीं रखते, अपने हौसले पस्त होने नहीं देते, वो अपने हौसले बड़े बुलंद रखते हैं, अपने अजाइम बड़े ऊंचे रखते हैं, अपनी फिक्रें बड़ी वसी रखते हैं, और वो पूरी दुनिया की फिक्रें लेकर जिंदगी गुजारते हैं। अपनों की, दूसरों की, सबकी फिक्रें लेकर वो जिंदगी गुजारते हैं। वो सिर्फ दुनिया की फिक्र नहीं करते, दुनिया की फिक्रों के साथ में वो आखिरत की फिक्रों के साथ में जिंदगी गुजारते हैं। ये ईमान वालों की शान है। और हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन इन्हीं फिक्रों के साथ में दुनिया में कामयाब हुए, इन्हीं फिक्रों ने उन्हें कामयाबी तक पहुंचाया। और जब उनके अज़ाइम पुख्ता हो जाते तो अपने कदम पीछे नहीं रखते थे, वो अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाते, चाहे जितनी सख्त आजमाइशें आ जाए। आजमाइशें आती हैं, लेकिन आजमाइशों के बाद में अल्लाह की तरफ से आफियत के दरवाजे खुलते हैं। मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुश्किलात के बाद में अल्लाह आसानियों और फुतुहात के दरवाजे खोलते चले जाते हैं। यह अल्लाह का वादा है, अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह का जाबिता है। इसलिए दीन के नाम पर, ईमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर हक की तलाश में परेशानियां आए, आजमाइशें आए, मुसीबतें आए, तो उन्हें बर्दाश्त करने का हौसला हमें दिया गया है, इन उम्मीदों के साथ में कि आइंदा फुतुहात के दरवाजे खुलेंगे, आसानियां फराहम होंगी और आफियत के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अकदस में हजरत खब्बाब इब्नुल अर्थ रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। ये एक औरत के गुलाम थे,
उस औरत ने उन पर बड़ा सख्त जुल्म उठाया, इतना जुल्म अल्लाह की बना कि वो लोहे की सलाखें जलाती, यहां तक कि उस लोहे की सलाखें गर्म हो जाती और लाल रंग की हो जाती, तो लोहे की उन सलाखों पर उन्हीं नंगी पीट करके, उनकी पीठ को नंगी करके उनको वो उन लोहे की गर्म लाल रंग की सुर्ख रंग की सलाखों पर सुला दिया करती थी। हजरत खब्बाब इब्नुल अर्थ रजी अल्लाह अन लोहे के इन अंगारों पर, लोहे के इन सलाखों पर लेट जाते और उनके जिस्म अथर से जो खून और पीप चर्बी पिघल कर निकलती, उस चर्बी से वो लोहे की सलाखें ठंडी पड़ती थी। और जब लोहे की सलाखें ठंडी हो जाती इनके निकलने वाली चर्बी से, इनके पीठ में दाग और धब्बे ऐसे पड़े हुए थे लोहे की सलाखों के, उनके जिस्म का कोई हिस्सा महफूज नहीं रहा, हर जगह इन अंगारों के दाग लगे हुए थे। वो हजरत खब्बाब इब्नुल अर्थ रजी अल्लाह अन जो इस्लाम पर ऐसे साबित कदमी के साथ में जमे हुए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजमाइश के इस दौर में काबतुल्लाह की दीवार से टेक लगाए हुए बैठे, हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन पहुंचे, फरमाया या रसूल अल्लाह कब तक यह आजमाइश का दौर चलेगा? मेरे आका ने फरमाया, खब्बाब क्या तुमने वो दौर भुला दिए जब हजरत अंबिया को आरों से चीर दिया गया, लोहे की कंघियों से उनके जिस्म के दो दो टुकड़े कर दिए गए, कंघियों से उनके जिस्मों को छलनी कर दिया गया और आरे से उनके जिस्म के दो दो टुकड़े कर दिए गए, लेकिन वो इस्लाम से फिरने को तैयार नहीं हुए? खब्बाब याद रखो, अल्लाह वो साथे लाएंगे। यह है उम्मीद, और ऐसी उम्मीद दाइयों को, मुबल्लिगों को, अल्लाह के दीन का काम करने वालों को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए और अपने साथियों को ऐसे सब्र की तलकीन करते रहना चाहिए। सब्रन या आल यासिर फइन्न मौईदकुमुल जन्ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के सामने से गुजरते कि उन्हीं आजमाइश की भट्टियों में चपाया जा रहा है, तो उन्हीं तसल्ली देते हुए फरमाते, सब्रन या आल यासिर, ए आल यासिर, ए यासिर के खानदान वालों, सब्र करो, तुम्हारा वादे की जगह तो जन्नत है, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत देंगे। और जन्नत का तसव्वुर आ जाए तो फिर दुनिया के बड़े से बड़े तकलीफ को अंगेज करना आसान हो जाता है, बड़ी से बड़ी तकलीफ का सामना करना अल्लाह आसान फरमा देते हैं जब जन्नत का तसव्वुर आ जाए। फइन्ना मौईदकुमुल जन्ना। हजरत खब्बाब से फरमाया कि खब्बाब एक दिन आएगा, आज हमें मक्के में जीना मुश्किल है और ये दुश्मनान इस्लाम हमें यहां जीने नहीं दे रहे, लेकिन एक वक्त आएगा जब इस्लाम फैलेगा और ऐसे फैलेगा कि इसकी वजह से एक मुसलमान मक्के से सना तक, अभी मुट्ठी भर मुसलमान है, गिनती के चंद मुसलमान है, और ये खुशखबरी सुनाकर मेरे आका तसल्ली दे रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा से हजर मौत तक अकेली औरत जाएगी, यहां किसी मर्द का, किसी पहलवान का मक्के की गलियों में आसानी से चलना दुश्वार है कलीमे के साथ में। और फरमाया कि एक वक्त आएगा जब कलीमे के साथ में अकेली औरत मक्के से निकलेगी और सैकड़ों मील की मसाफत तय करके जाएगी, रात दिन सफर करेगी, रास्ते में किसी डाकू का डर नहीं होगा, किसी हमला करने वाले का डर नहीं होगा। हां अलबत्ता शेर भेड़ियों का डर हो तो हो, लेकिन ये दुश्मनों का डर नहीं होगा, ऐसे अमन अल्लाह अता फरमा देंगे। यानी हमारी इन आजमाइशों के बदले में अल्लाह रास्ते ऐसे खोलेंगे, इसलिए ये मत समझो कि ये जो आजमाइशें हैं ये आजमाइशें हमेशा रह जाएंगी, बल्कि आजमाइश कभी हमेशा नहीं रहती, आजमाइशों के बाद में राहत के दिन आते हैं, आफियत के दिन आते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरियां सुनाई और इसके मुताबिक अल्लाह ने उनके साथ मामला भी फरमाया। वो दिन हजरत सहाबा ने देखे, फुतुहात के दिन देखे,
इस्लाम के गलबे और तसल्लुत के दिन अल्लाह ने उन्हें दिखाए और ये जो दिन देखे वो आजमाइशों के बाद में, पहले आजमाइशें आती हैं फिर उसके बाद फुतुहात के वो दिन भी अल्लाह ताला दिखाते हैं जब गलबा मिलता है, तसल्लुत मिलता है, इख्तदार मिलता है। लेकिन उससे पहले आजमाइशों में पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, हौसले बुलंद रखना चाहिए। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु फारिस के रहने वाले हैं। कहां फारिस? ईरान। और कहां? मदीना पाक। और हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु किसी मामूली खानदान से ताल्लुक रखने वाले फर्द नहीं थे, किसी गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले आदमी नहीं थे, वो तो शाहान फारिस के खानदान से ताल्लुक रखते थे। ईरान के जो बादशाह हैं, बादशाहों के खानदान से ताल्लुक था हजरत सलमान फारसी का, वो शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनका जो बाप था वो शाही खानदान से ताल्लुक रखता था और उनका जो करिया था, जो बस्ती थी हुबै नाम की, उस बस्ती में उनका बाप चौधरी था, वहां का बाप था, सरदार माना जाता था और उस पर चौधराहट का गुरूर सवार था। और फिर हजरत सलमान फारसी बड़े नाजो नखरे में पले गए और उनके बाप ने उन्हें ऐसी परवरिश की कि सलमान फारसी को कहीं नजरों से ओझल होने नहीं देता था। बाप को इनसे इतनी मोहब्बत थी कि जैसे कवारी लड़कियों की परवरिश की जाती है, जैसे बच्चियों की तरबियत की जाती है, वैसे उसने इनकी तरबियत की। एक लम्हे के लिए घर के बाहर कदम रखने की जरूरत नहीं होती थी, हमेशा बाप की निगाहों के सामने, बाप की तरबियत में, और बाप उन्हें कभी दूर नहीं होने देता। एक दिन मौका आया कि खेत में जाना जरूरी था, खेत में कोई जरूरी काम था और बाप चूंकि गांव का चौधरी था, सरदार था, इसलिए वहां के आतिशकदे का जिम्मेदार भी वही था और इनका जो मजहब था वो मजूसी मजहब के मानने वाले, जो आग की पूजा करते हैं, जो आग ही को अपना खुदा मानते हैं। आतिशकदे में आग भड़काई हुई थी और उसने अपने बेटे को इसी काम पर लगा रखा था कि बेटा आग बुझने न देना, बस इसकी देखभाल करते रहना। आतिशकदे में सलमान पड़े हुए थे और वहीं आतिशकदे में आग बुझने से उसकी हिफाजत किए हुए थे। यही एक काम था, दूसरा कोई काम नहीं था। एक दिन खेत पर जाना था लेकिन बाप को जरूरी काम था कि खेत पर नहीं जा सकता था। उसने सलमान से कहा कि सलमान आज जाओ, जरा खेत का काम करके आ जाओ, लेकिन याद रखो जाते ही फौरन आना, देर मत करना, कहीं उधर उधर मत जाना। सलमान चले गए और जब खेत पर पहुंचे तो जाते हुए रास्ते में एक पादरियों का चर्च था और उस जमाने में नसरानियत ही हक था, सच्चा मजहब था, अभी इस्लाम की आमद नहीं थी और नसरानियत भी मिटते मिटते अभी उसके कुछ बकाया मौजूद थे। हजरत सलमान फारसी जाते जाते खड़े हो गए उस चर्च के सामने, कलीसा के सामने, और देखने लगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लोग अंदर इबादत में मसरूफ थे, वहां पादरी भी था, दूसरे लोग भी थे, इबादत कर रहे थे। सलमान फारसी को यह इबादत बड़ी दिल को लगी, सोचने लगे कि यह इबादत तो हमारी इबादत से अच्छी है, मैं क्यों ना यह इबादत करूं, मैं भी यही इबादत करूं। अंदर चले गए, जाकर उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, कौन सा मजहब है, सारी बातों की ताकीद की। उन्होंने सारी बातें बतलाई तो हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि अगर मैं इस मजहब को कबूल करना चाहूं तो तुम्हारे बड़े आलिम कौन है ताकि मैं उनकी खिदमत में जाऊं। उन्होंने बताया कि मुल्क शाम में हमारे बड़े आलिम रहते हैं, वहां तुम जा सकते हो। उन्होंने पता ले लिया, सारी बातों की तहकीक कर ली। रात देर हो गई, बाप को तशवीश लाहिक हुई, उसने दौड़ाए लोगों को उनकी तलाश में। लोगों ने उन्हें तलाश किया, बहुत तलाश करते रहे, खुद घर पहुंच गए, पूछा कहां थे, सारा वाकया सुना दिया।
कि फला फला जगह गया था और मैं उस मजहब को कबूल करना चाहता हूं, मैं भी मुल्क शाम चला जाऊंगा। बादशाह ने कहा, उस बाप ने कहा, ये तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो गलत मजहब है, बातिल मजहब है, हमारे मजहब से अच्छा कोई मजहब नहीं है। उसे अंदेशा आया कि कहीं ये भाग न जाए, इसलिए बेड़ियां डाल दी और बेड़ियां डाल के अंदर बंद करके रखा। लेकिन किसी तरीके से हजरत सलमान इस राबिते में थे कि किसी तरह पता चल जाए कि कोई काफिला मुल्क शाम जाने वाला हो ताकि मैं भी यहां से चला जाऊं। उन्हें एक दिन पता चला कि एक काफिला मुल्क शाम जा रहा है, तो किसी तरह बेड़ियां तोड़ी और वहां से आजादी पाकर भागे और इस काफिले में जुड़कर मुल्क शाम चले गए। और ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं है, एक आदमी मजहब के लिए हक की तलाश में अपने बाप की मोहब्बत को छोड़ दे, बाप की चौधराहट को कुर्बान कर दे और उसकी जमीनें जायदाद और आराम सब तर्क करके हक की तलाश में निकल जाए, बड़ी कुर्बानी। मुल्के शाम पहुंचे, उस आलिम का पता लगाया, उसकी खिदमत में पहुंचे, सारा वाकया सुनाया, अपने हाल की हकीकत बयान की और उससे दरख्वास्त की कि मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूं, मुझे अपने मजहब में दाखिला कर लीजिए। उसने कहा बहुत खुशी से, अब मेरे साथ रहे, वहीं रहे। उस आलिम का जो पादरी था, इंतकाल का वक्त करीब आया। हजरत सलमान फारसी को अंदर से कुड़न होती थी कि ये बड़ा हरीस है, इसके अंदर दुनिया की हिर्स बहुत है, ये है तो लोगों के सामने बड़ा ढोंग रचाता है कि मैं पादरी हूं, दुनिया की मोहब्बत नहीं है, जोहद फिर दुनिया में करके दुनिया करके मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, रहबानियत मेरा मजहब है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है, इसके अंदर बड़ी तमा और बड़ी हिर्स है। लोग लाके उसके पास पैसे देते हैं, रकम देते हैं, दिरहम और दीनार देते हैं, उन्हें छुपा कर रख लेता है, फुकरा और मसाकीन में तकसीम नहीं करता, उन्हें जमा करके रखता है। 7 मटके उसने जमा करके रखे थे सोने के अजनबियों के, 7 मटके भरे हुए। जब उसका इंतकाल हुआ तो हजरत सलमान फारसी ने देखा कि लोग बड़ी अकीदत में आए हैं और उसकी तजहीज और तकफीन का इंतजाम कर रहे हैं, तो लोगों को बताया कि लोगों ये तो बड़ा धोखेबाज था, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो देखो इसके ये मटके जो यहां रखे हुए हैं, ये सब फुकरा और मसाकीन का हक है जिसने मार रखा था। लोगों को बड़ा गुस्सा आया, लोगों ने कहा कि ये तो तजहीज और तकफीन का हकदार है ही नहीं, इसे सूली पर लटकाया जाए ताकि लोगों के लिए इबरत हो। लोगों ने गजबनाक होकर उसे सूली पर लटकाया, उसकी मुर्दा लाश को, ताकि लोगों के लिए इबरत हो और फिर उसका उसे इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। फिर उसके बाद एक और आलिम को उसकी जगह बिठाया गया जो बहुत नेक था। हजरत सलमान फारसी फरमाते, सारा वाकया वो सुनाते, फरमाते कि फिर दूसरे आलिम को उसकी जगह रखा गया, मैंने ऐसा जाहिद, ऐसा नेक और मुत्तकी कभी किसी को नहीं देखा और जर्रा बराबर भी दुनिया की हिर्स नहीं, बहुत नमाजी और बहुत ही डरने वाला अल्लाह से। मैं उसकी खिदमत में रहा और उसके इंतकाल का वक्त आया तो मैंने उससे पूछा कि अब आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, बताएं मैं आपके बाद मैं किसकी खिदमत में रहूं, मुझे हक की तलाश है, मुझे हक मिला है, मैं इस पर जमे रहना चाहता हूं, मुझे इसके बाद का पता बताएं। तो उन्होंने बताया कि यहां से मोसिल में चले जाना, मोसिल एक शहर का नाम है इराक का, वहां चले जाना, वहां आपको एक अल्लाह वाला मिलेगा, आलिम है, पादरी है, उसकी खिदमत में रहो। इसकी वफात के बाद में हजरत सलमान फारसी यहां से निकले, मोसिल पहुंचे, उस आलिम का पता लगाया, उसकी खिदमत में रहे। उसकी वफात हुई तो उससे पूछा कि तुम्हारे बाद में कहां रहूं, उन्होंने बताया कि नसीबीन चले जाना, नसीबीन एक शहर का नाम है, फरमाया वहां चले जाओ, वहां एक आलिम है, उनकी खिदमत में रहो। हजरत सलमान फारसी मोसिल से फिर नसीबीन पहुंचे, नसीबीन में जो आलिम थे उनकी वफात का वक्त आया तो उनसे पूछा कि मैं आपके यहां था, बड़ा मुतमईन था, आपके तरीके पर था, मुझे हक मिला, लेकिन अब आपके बाद में कहां जाऊं, कौन मेरी निगरानी करेगा? तो उन्होंने फरमाया कि अमूरिया चले जाना, वहां आपको मिल जाएंगे एक आलिम, उनकी खिदमत में रहना। अमूरिया गए इसकी वफात के बाद में, जब अमूरिया पहुंचे तो वहां चंद सालों के बाद में उसकी वफात का वक्त करीब आया,
तो सालिन से पूछा कि मैं आपके बाद कहां आ रहा हूं। मुल्के शाम आया, फारिस से मोसिल गया, नसीबीन गया, अमूरिया आया, अब यहां भी अल्लाह का करना ऐसा है कि आप मुझसे जुदाई इख्तियार करके जा रहे हैं, दागे मुफारकत दे जा रहे हैं, आपका आखिरी वक्त है, बताएं मैं कहां जाऊं अब। तो उस आलिम ने फरमाया कि अब तो रुए जमीन पर कोई ऐसा आलिम नहीं है जहां तुम जा सकते हो, कोई ऐसा हक परस्त आलिम जो बिल्कुल हक पर हो कोई नहीं है। हां एक बात मैं आपको बताता हूं, इसे बड़े गौर से सुनो और इसे याद रखो, वो जमाना करीब आ चुका है जब आखिरी जमाने के पैगंबर तशरीफ लाने वाले हैं। उनकी अलामतें हमारी किताबों में ये बतलाई गई हैं कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, हदिया कबूल करेंगे, और उनके कंधों पर, दोनों कंधों के दरमियान में पुश्त मुबारक पर मोहर नबूवत होगी। ये तीन अलामतें याद रखना। उसका भी इंतकाल हो गया। अब हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु तशवीश में है, उसने बताया कि वो अरब के इलाके में पैदा होंगे, अरब में पैदा होंगे, और उनके हिजरत की जगह एक नखलिस्तानी इलाका होगा जहां खजूर के बागात होंगे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु अब इस इलाके की तलाश में निकले कि कौन सा इलाका होगा जहां खजूर के बागात ज्यादा है। पता चला कि इधर यसरब का इलाका है जहां खजूरों की कसरत है, फरावानी है, बहुत ज्यादा वहां पैदावार है खजूर की। तो अब इस तलाश में थे कि किसी तरह यसरब तक पहुंच जाए। तो काफिले वालों से तय किया, काफिले वालों ने कहा कि हम पहुंचाएंगे, लेकिन रास्ते में उन्होंने उन्हें फरोख्त कर दिया, गुलाम बनाकर किसी ने उन्हें खरीदा, वो रखा रहा, फिर दूसरे ने खरीदा, तीसरे ने खरीदा, 10 आदमियों के साथ में वो इसी तरह फरोख्त होते रहे। 10 आदमियों के यहां वो गुलामी की जिंदगी एक के बाद दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ बदलते रहे। आखिर एक जगह पहुंचे तो देखा कि यहां नखलिस्तान है, खजूर के बागात हैं, गुलामी ही की जिंदगी में आखिर उन्हीं हक ने यहां तक पहुंचा दिया। और वो सोच रहे थे कि शायद यही इलाका है कि इसी दौरान में आखिर 10वां आदमी बनु कुरैजा का एक यहूदी उन्हें खरीद लिया और उन्हें ले आया बनु कुरैजा के मकाम में, जो मदीना मुनव्वरा का, बाद में उसका नाम मदीना पड़ा, उस वक्त यसरब था, यसरब का एक महल्ला था बनु कुरैजा का, और उस महल्ले में ये यहूदी आबाद थे, वहां बनु कुरैजा के यहूदी आबाद थे। उस महल्ले का एक यहूदी ने हजरत सलमान फारसी को खरीदा और उन्हें यहां ले आया काम के लिए कि उनके नखलिस्तान में, उनके खजूर के बाग में ये काम करें। हजरत सलमान फारसी जब वहां पहुंचे तो यकीन आ गया कि हां यही इलाका है जहां मुझे पहुंचना था, आखिर हक ने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। वहां पहुंच गए, अब इस इंतजार में है बेताबी के साथ में कि वो जमाना कब आएगा जब आखिरी पैगंबर तशरीफ लाएंगे। क्या तड़प दिल के अंदर और क्या अल्लाह से लो लगाए हुए इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान में इधर मक्का मुअज्जमा में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई, 40 साल के हुए, आपको नबुव्वत से सरफराज किया गया, 13 साल मक्का मुकर्रमा में रहे और फिर उसके बाद हिजरत फरमाकर मदीना पाक तशरीफ लाए। ये पूरे अरसे में हजरत सलमान फारसी गुलामी की जंजीरों में ऐसे जकड़े हुए थे कि कोई वाकया उन तक नहीं पहुंचा, कोई किस्सा नहीं मालूम, न मक्का मुअज्जमा का किस्सा मालूम, न मदीना मुनव्वरा का किस्सा मालूम। सुबह उठना, बाग में जाना, खजूर के बाग में काम करना, रात में सोना, ये वैसे ही जिंदगी थी और इसी जिंदगी में एक तड़प दिल में लिए हुए जिंदगी गुजार रहे थे और बाकी बाहर की दुनिया की कोई खबर नहीं थी। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं कि एक दिन मैं खजूर के दरख्त पर ऊपर चढ़ा हुआ काम कर रहा था। जाहिर सी बात है, खजूर के दरख्त पर
कुछ चीजें तोड़नी होती है, कुछ करना होता है, खजूर के बाग में काम होते हैं, तो दरख्त पर चढ़े हुए थे और नीचे उनका मालिक बैठा हुआ था यहूदी। उस यहूदी के पास उनका चचाजाद भाई आया, जो इनका मालिक आका था, इसका चचाजाद भाई आया, आकर कहने लगा कि ए तुमने सुना है क्या हो गया ये बनू कैला के लोगों को? बनू कैला यानी अंसार को उसने कहा, अंसार के बारे में उसने कहा कि बनू कैला के लोगों को क्या हो गया कि एक आदमी को घेरे हुए हैं, उसके बारे में ये कहते हैं कि वो मक्के से आया है और कहते हैं कि वो नबी है पैगंबर है, उसकी बातों में उसके बहकावे में ये अंसार आ गए बनू कैला के लोग, क्या हो गए ये लोगों को, इतने पागल बन गए? जब इसने ये बात कही तो हजरत सलमान खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए नीचे की गुफ्तगू सुन रहे थे। अब जैसे ही ये बात उनके कानों में पहुंची, सदियों की तमन्ना, बिला मुबालगा, सदियों की तमन्ना जब उनके कानों में पड़ी तो अब तो अंदर से दिल लरजने लगा, हाथों में कपकपी आ गई और फरमाते अगर अल्लाह न थामते तो मैं ऊपर से नीचे गिर पड़ता और मालिक के सर पे गिरता। अल्लाह ने थाम लिया, किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला, अल्लाह ने मुझे संभाला दिया, मैं नीचे उतरा। मैंने उसके चचाजाद भाई से पूछा कि अभी आप क्या फरमा रहे थे, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी सुनता हूं क्या खबर है। अब मालिक ने देखा कि यह तो बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा, तो एक तमाचा लगाया हजरत सलमान फारसी को, कहा जा अपना काम कर, तुझे इससे क्या लेना देना है। हजरत सलमान फारसी खामोश चले गए, अपने काम में लगे रहे, शाम होने का इंतजार करते रहे। शाम हो गई, कुछ चीजें खजूर वगैरह जब जमा करके रखे थे उठा लिए, सीधे पहुंचे पता लगाकर आका की खिदमत में, जाकर पहला इम्तिहान लेना चाह। फरमाया मैंने सुना है कि आप मक्का मुअज्जमा से आए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपके साथियों के पास कुछ खाने पीने को नहीं है, मेरा सदका है, आप कबूल फरमा लें। सरकार ने फरमाया कि ठीक है कबूल है। फिर अपने सहाबा से फरमाया कि मैं सदका नहीं खाता, आप लोग खाएं। अपने सहाबा के हवाले कर दिया, खुद नहीं इस्तेमाल किया। हजरत सलमान फारसी को तीन बातों का इम्तिहान लेना था। एक इम्तिहान तो हो गया कि वो सदका कबूल करते हैं लेकिन खाते नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने सहाबा में तकसीम कर देते हैं। चंद दिनों के बाद में फिर कुछ माल जमा किया, खजूरें वगैरह जमा फरमाई, जितना जमा हो सका, गुलाम थे कितना जमा कर सकते थे, मेहनत मजदूरी करके जितना हुआ जमा किया। चंद दिनों के बाद में तशरीफ ले गए, देखा कि जन्नतुल बकी में एक जनाजे में आका तशरीफ फरमा है और जनाजे की तजहीज और तकफीन में लगे हुए हैं, इंतजामात में लगे हुए हैं। हजरत सलमान फारसी तशरीफ ले गए, जाके फरमाया कि आप सदका तो इस्तेमाल नहीं फरमाते, मैं हदिया लेकर आया हूं, आप इस हदिया को कबूल फरमा लें। आपने फरमाया बखुशी मंजूर है, लिया, खुद इस्तेमाल फरमाया, सहाबा को भी दिया। दूसरा इम्तिहान भी हुआ, इसमें भी कामयाब हो गए कि ये दूसरी अलामत भी इनके अंदर मौजूद है। अब उसके बाद दिल में ख्याल आया कि देखूं ये मोहर नबूवत भी है, चुनाचे सामने थे, आहिस्ता आहिस्ता खिसकते खिसकते पीछे तशरीफ लाए, और जैसे ही पीछे तशरीफ लाए सरकार समझ गए कि ये मोहर नबूवत देखना चाहते हैं, आहिस्ता से चादर हटा दी, और जैसे ही थोड़ी सी चादर हटी मोहर नबूवत जो सामने दिखाई थी आगे बढ़कर चिमट लिया और उसे बोसा लिया और फरमाया कि मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं, मुझे मुसलमान बनाइए, इस्लाम कबूल किया और इस हक के साए में पहुंचकर के दिल की तस्कीन का सामान मिला, आज उनके प्यास बुझने का सामान उनके सामने था। हक की तलाश में फारिस से निकलने वाला है नौजवान, जो बचपन में निकला था, जवानी का मरहला गुजर चुका था, और इस मरहले में पहुंचने के बाद जो उनको हक मिला, हक की तलाश में पहुंचने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें इस्लाम की इस नियमत से मालामाल फरमाया और ये मुसलमान हुए, मुशर्रफ व इस्लाम हुए। हजरत सीरत निगार लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं कि हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन की उम्र इतनी तवील है कि उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम का जमाना पाया,
यानी उनकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से है। बाद रिवायतों में है कि हजरत मसीह से तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके हवारी से, उनके किसी वसी से मुलाकात है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के किसी हवारी से हजरत सलमान फारसी की मुलाकात हुई है। चुनाचे उनकी उम्र के बारे में लिखते हैं कि 350 साल थी उम्र। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह को अल्लाह ताला ने जो उम्र अता फरमाई 350 साल। अक्सर अलग अलग रिवायतें हैं, लेकिन कम से कम जो मुद्दत लिखी गई है वो 250 साल से कम नहीं, यानी उनकी उम्र 250 साल से ज्यादा मिली। अल्लाह ने उनको इतनी तवील उम्र अता फरमाई और इस पूरी तवील उम्र को उन्होंने हक की तलाश में लगा दिया। अब इतने तवील अरसे के बाद में, इतने ऊंच नीच के बाद में, इतने सर्द गर्म के बाद में, इतनी मंजिलें तय करने के बाद में, इतनी कुर्बानियां देने के बाद में, इतनी कदोकाविश और इतनी तवद्दो करने के बाद में, इतना खून पसीना एक करने के बाद में, आज उनके दिल को ठंडक मिली और नबी आखिर जमा हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में पहुंचकर उन्होंने आराम और सुकून महसूस किया। अब वो सारी कुर्बानियों को भुला न दें तो क्या करेंगे? लोग उनसे पूछते थे, मन अंत वबनु मन अंत, सलमान तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे अब्बा जान का नाम क्या है? तो फरमाते, अन सलमान इब्नुल इस्लाम, मैं इस्लाम का बेटा सलमान हूं, मेरे बाप का नाम इस्लाम है, इसलिए कि मेरी रूहानी जिंदगी बख्शने वाला ये इस्लाम है। ये इस एतिमाद के साथ में और ऐसे फख्र के साथ में फरमाते कि मेरा अब्बा जान से इस्लाम है। इस्लाम के साए में पहुंचने के बाद बाप की शफकत से जितना सुकून मिलता है, उससे ज्यादा सुकून तो मुझे इस्लाम ने दिया और मेरी रूहानी वजूद का सबब तो इस्लाम है। इसलिए फरमाया, अना सलमान इब्नुल इस्लाम, कि मैं इस्लाम का फर्जंद सलमान हूं। और इस सलमान को यह लकब ज़बान रिसालत मआर से मिला, सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं। सलमान के यहां रिश्तेदार न हो, यहां उनके खानदान वाले न हो, लेकिन मैं मोहम्मद अरबी ये कहता हूं कि ये मेरे अहले बैत में से, मेरे घर वालों में से है सलमान, सलमान मिन्ना अहलल बैत। और फिर हजरत सलमान फारसी की इन कुर्बानियों को उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसी वक्त पेश किया कि मैं वहां से निकला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, और यहां मैं आपका इतनी मुद्दत से इंतजार कर रहा हूं, और मुझे आपके बारे में जो अलामतें बताई गई, ये अलामतें मैंने आज मुकम्मल पाई हैं, और आज मैं मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। यह उनकी शहादत मंदी है। उसके बाद भी ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, जिसकी वजह से बदर में, उहद में, किसी मारिके में और अक्सर किसी भी दीनी काम में शिरकत नहीं कर सकते थे। मेरे आका ने फरमाया कि सलमान, तब तक गुलामी की जिंदगी गुजारो के किताबत कर लो अपने आका से। फरमाया, मैं किताबत करूं? गुलाम हूं, कुछ भी नहीं है। फरमाया, अल्लाह पर भरोसा करो, किताबत कर लो। किताबत का तरीका यह होता कि अपने आका से कहा जाता, मुझे आजाद कर दो, और मुझे आजाद करने के लिए तुम जितना मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा, इतनी अशरफियां। अब उसने देखा कि सलमान जैसा शख्स मेरी गुलामी से आजाद होना चाहता है, तो जो मुंह में आया उसने कहा। इनकी कीमत, उस यहूदी ने कहा 40 औकिया सोना और मेरे इस बाग में 300 खजूर के बाग लगाओ। 300 खजूर के बाग कहां से जाएं? आज आप अंदाजा लगाएं, नर्सरी में जाकर जहां पौधे उगाए जाते हैं, पौधों का जो नर्सरी होता है उसमें आप दरख्तों की कीमत मालूम करें, क्या क्या कीमत होती है। आप 100-150 दरख्तों की कीमत पूछें, कितने लाख रुपया हो जाती है? 100 दरख्तों की कीमत कितने लाख रुपया हो जाती है? और 300 खजूर के बागात, उसने कहा 300 खजूर के बाग लाकर लगाओ, और उस वक्त तक तुम्हें आजादी नहीं मिलेगी जब तक ये खजूर के बाग तुम्हारे हाथ से बड़े हो जाएं, फिर ये फल देने लगे।
जब ये फल देने लगे तब आजाद होगे, और 40 सौकिया सोना भी देना होगा। तशरीफ लाया हजरत सलमान फारसी, फरमाया कि मेरा आका तो ये बातें कह रहा। सरकार ने फरमाया कि कर लो किताबत, अल्लाह इंतजाम करेंगे। अल्लाह अकबर। किताबत हो गई। किताबत होने के बाद में सरकार ने फरमाया कि जाओ गढ़ा खोदो, 300 पौधों के लिए गढ़ा खोदो, इंतजाम करो। इधर सलमान फारसी से फरमाया जाओ 300 गढ़े खोद दो दरख्तों के लिए, एक दरख्त भी नहीं है। फरमाया कि 300 गढ़े दरख्तों के लिए खोद दो, और साहबा में ऐलान फरमाया कि ये तुम्हारा मुकातब भाई, इस वक्त इसकी मदद करो, जो जो जितना दरख्त दे सकता है दे। कोई साहबी 3, कोई 5, कोई 10, कोई 20, कोई 30 दरख्त ला ला कर पेश करने लगे, 300 दरख्त हो गए। सरकार तशरीफ ले गए, फरमाया इन दरख्तों को लगाओ, दुआ फरमाई, एक साल के अंदर दरख्त बड़े हो गए, फल देने लग गए। सिर्फ एक साल के अरसे में मौजिजा है मेरे आका का, और अल्लाह की तरफ से यह मदद है। एक साल के अंदर दरख्त बड़े भी हो गए और उसमें फल भी आ गए, और एक दरख्त भी सूखा नहीं, एक दरख्त भी। 300 दरख्त जो लगाए गए इसमें एक दरख्त भी जाया नहीं हुआ, 300 दरख्त सब के सब फल देने लगे, एक दरख्त भी सूखा नहीं। और जब दरख्तों का इंतजाम हो गया, फल आ गए, अब इंतजार है 40 औकिया सोने का, यह इंतजाम कहां से होगा। सरकार ने फरमाया इंतजार करते रहो। एक दिन अचानक एक साहब आए, उनके हाथ में सोने की एक डल्ली थी, लाके पेश फरमाया कि या रसूल अल्लाह आप इसे इस्तेमाल फरमा लें, जहां देना चाहें दें। सरकार ने फरमाया कहां है वो मिस्कीन मुकातब गुलाम जो तलाश में है, उन्हें बुलाओ। सलमान तशरीफ लाए, फरमाया ले जाओ तुम्हारे आका को दे दो। हजरत सलमान फारसी यूं उलट रहे हैं पलट रहे हैं, 40 औकिया कहां, यह तो 5-10 औकिया भी नहीं होगा, इतना छोटा सा छोटी सी डल्ली। फरमाया सरकार मामला तो 40 औकिया का है और ये छोटी सी डल्ली। फरमाया ले जाओ वजन करो। वजन क्या? ठीक 40 औकिया। ले जाके उस आका को दिया और छुटकारा पाया। ऐसी आजादी मिली हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु को। अल्लाह ने उनकी उम्र में ऐसी बरकत अता फरमाई कि ये सलमान फारसी जो बद्र उहद में तो शरीक नहीं हो सके, लेकिन जब खंदक में तशरीफ लाए तो ऐसी राय दी, ऐसी राय पेश की कि इनकी राय पर अमल करके अल्लाह ने सारे अहजाब को नाकाम और नामुराद वहां से वापस लौटाया। ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال। खंदक खोदने की जो राय दी वो हजरत सलमान फारसी की राय। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन जो फारिस से ऐसा ऊंच नीच देखने के बाद यहां तशरीफ लाए थे, अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा मुआमला फरमाया और खंदक के मौके पर उनसे इतना ऊंचा काम लिया। इसलिए मेरे भाइयों, हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास कुव्वत नहीं है। हमारा पैदा करने वाला हमारे बारे में कहता है खुलकल इंसान ज़ईफा, इंसान तो कमजोर पैदा किया गया। खुद मेरा रब मेरे बारे में ऐलान करता है कि हम कमजोर हैं, उसने हमें कमजोर बनाया है। लेकिन हमारा रब कमजोर नहीं है, हमारा रब ताकत वाला है, कुव्वत वाला है। हमें बस इतना करना है कि हम अपने अज़ाइम ऊंचे रखें, अपने हौसले बुलंद रखें, अपनी फिक्रें वसी रखें, बस इतना करना है। हम अपनी कमजोरी के बावजूद, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए अपने अज़ाइम ऊंचे रखेंगे, हौसले हमारे बुलंद रहेंगे, अल्लाह की ताईद गैबी होगी, अल्लाह की मदद उतरेगी, और फिर अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते खोलेंगे। इसलिए हमारे लिए अल्लाह के रास्ते में चलना, अल्लाह के रास्ते में चलना फिरना हमारे काम रुकावट बने और हमारी चीजें हमारे तकाजे रुकावट बनेंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर इरादा है, हमारे अंदर अज़ाइम पैदा हो जाए, हमारी फिक्रें बुलंद हो जाए, तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद के दरवाजे खुलते हैं और अल्लाह मदद फरमाते हैं। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन अपने मकाम पर बैठकर अगर हक की तलाश में लगे रहते तो पता नहीं कैसे हक कब उनको पहुंचता, कब मिलता। उन्होंने हरकत की, कोशिशें की,
मेहनत की, मुजाहदे किए और फिर आखिर में अल्लाह ने उनकी कैसी मदद फरमाई। आज अगर सोने की छोटी दल्ली 40 औकिया सोना बन रही है तो ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। अगर 300 दरख्त लगाए जा रहे हैं और ये दरख्त एक एक साल में फल दे रहे हैं और एक भी दरख्त सड़ता नहीं, खराब नहीं होता, सूखता नहीं, जाय होता नहीं, तो ये उनकी कुर्बानियों की बरकत है और मेरे आका का सदका है, सरकार का मुआजिजा है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हम भी कुर्बानियां देने के लिए तैयार हों, अगर हम भी आजमाइशों में भी अल्लाह की तरफ से मदद की उम्मीद करते रहें तो अल्लाह ताला की मदद यकीनन हमारे साथ में होगी। लेकिन इसके लिए हमें अपनी फिक्रें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। हमारे अंदर फिक्र आएगी तो यकीनन अल्लाह की मदद आएगी, हमारे आजम और हमारे हौसले भी बुलंद होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के तकाजे तो हैं ही, इन तकाजों के साथ में अल्लाह के दीन के जो तकाजे हमारे सामने हैं, इसके लिए नकल हरकत के लिए, अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए, अपनी इस उम्र अजीज के, उम्र मुस्तार के, जो जिंदगी हम मुस्तार लेकर अल्लाह के पास से आए हैं, इस मुख्तसर सी जिंदगी में थोड़ा सा वक्त अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करके अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए बताएं भाई, चार चार महीने अपनी जिंदगी के कीमती चार महीने हमारे लिए अल्लाह ताला के रास्ते में लगाने के लिए कौन कौन तैयार है बताएं भाई। जिन हजरात ने अपने नाम अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए लिखवाए हैं, अल्लाह हम सबको भी अपने रास्ते में चलने वाला बनाए और इसके लिए हमें अपने मकाम पर रहते हुए भी कुछ काम ऐसे करने हैं कि हमारी मौत अल्लाह के दीन पर आए, ईमान पर आए, कलीमे वाली मौत नसीब हो। इसकी फिक्रें हमारी पूरी जिंदगी हमारे दिलो दिमाग पर सवार रहे। इसके लिए हम दीन से जितना जुड़े रहेंगे, दीन की जितनी फिक्रें करेंगे, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ होगी और अल्लाह हुस्न खातिमा की दौलत भी अता फरमाएंगे। इसके लिए हमारे बड़ों ने जो तरतीब बताई है कि हम अपनी इस्लाह और अपने घर वालों की, अपने मोहल्ले की, फिर अपने पड़ोस के मोहल्ले की, शहर की, फिर उसके आगे पूरे आलम की फिक्रें हमारे अंदर हों, इसके लिए हमें अपनी मस्जिद में बैठकर, जो मस्जिद में मस्जिदवार जमात फिक्र करती है, उन फिक्रों में हम भी अपनी ज़रूरत समझकर तशरीफ रखें और इसमें शिरकत करके मस्जिदवार जमात को मजबूत बनाएं और रोज़ाना की जो कारगुजारियाँ सामने आती हैं, फिर तरतीब बनती है, उस तरतीब में हम भी अपने अपनी राय, अपने मशवरे देकर और फिर जो मशवरे जो राय तय हो जाए उन पर अमल करके अपनी मस्जिदवार जमात को मजबूत बनाए और मस्जिद में तो तालीम हो, उस तालीम में जो नूरानियत अहादीस के पढ़ने से होती है, उस नूरानियत को हम अपने दिल में उतारने की फिक्रें करें और जो नूर हमें मस्जिदों से मिल जाता है, हमारी ये फिक्र हो कि हमारे घर वाले इससे महरूम न रहें, हमारे घर की औरतें, हमारे घर के बच्चे, ये भी दीन के और इस नूर के मोहताज हैं, उनके आखिरत की फिक्र करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम अपने घर में तालीम का आगाज, तालीम का सिलसिला जारी रखें और अपने घर में भी तालीम करवाते रहें, करते रहें, ताकि हमारी बीवियों, हमारे बच्चों और हमारी औलाद, हमारे नस्लों में भी ये दीन बाकी रहे, जिंदा रहे और इसकी फिक्रें बाकी रहें। और कल हमें जरूरत पड़े अल्लाह के रास्ते में चलने की तो घर वालों की तरफ से जो रुकावटें होती हैं, इस तरह की रुकावटें ना हो, पहले से उनकी ऐसी जहन साजी हो कि वो खुद आगे बढ़कर, अगर हमारी तरफ से कोताही हो तो हम ही अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ाने वाली वो बने और उनकी तरफ से हमें हौसला मिले कि तुम जाओ अल्लाह के रास्ते में, हम अपना घर हम संभाल लेंगे और जो भी ऊंच नीच आए उसे वो बर्दाश्त करने के काबिल बने। इसके लिए उनकी जहन साजी के लिए घर में तालीम का सिलसिला हो और रोजाना इन तमाम फिक्रों के लिए कम से कम 2.5 घंटा अल्लाह के लिए निकालकर अल्लाह ताला के दीन की मेहनत करें और अपने साथियों को दीन पर जमाने की फिक्रें करें। और इसी तरह हफ्ते में एक दिन जो गश्त का दिन मोहल्ले में तय हो, उस गश्त के दिन में गश्त में शिरकत फरमाएं और पड़ोस के मोहल्ले का जो गश्त तय हो उसमें तशरीफ ले जाएं और ऐसे ही महीने में 3 दिन अल्लाह के दीन के लिए फारिग करके, अल्लाह ताला के दीन के लिए अपने महीने के 3 दिन पाबंदी के साथ में निकलते रहें तो दीन से हमारा ताल्लुक मजबूत रहेगा, काम में दिलचस्पी आएगी और इस मेहनत और कुर्बानी की बरकत से अल्लाह हमारे दीन और ईमान में मजबूती अता फरमाएंगे। और ऐसे ही
यहां जुमेरात में जो लैलतुल फिक्र है, फिक्रों वाली रात होती है, जहां फिक्रों की बातें होती हैं और फिक्रों के सिलसिले में मशवरे होते हैं, इनमें भी पाबंदी और एहतिमाम के साथ में शिरकत फरमाते रहे। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए, दीन ईमान पर अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह अपने दीन के काम से और मेहनतों से हमें जुड़े रहने और इसके लिए अल्लाह ताला हर तरह से मजबूती और इस्तिकामत के साथ में हमें इस पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।